एटीवी राइड हो रही है वहाँ पे, तो हम भी सोच रहे हैं कि कर ले। और यहाँ हमने बाइक लगा के मैग्नेटिक हिल पे, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है अपने बाइक के साथ। इसके पैसे ले सकते हैं 50 रुपए। कितना प्यारा व्यू है, देख रहे हो, दो पहाड़ों के बीच में से नदी आ रही है। तो भैया इधर है थ्री इडियट्स के तीन पिछवाड़े। अमेजिंग इट इज भाई साहब, ब्यूटीफुल। तो लो भाई लो, एक बेहतरीन सा नजारा पेश है आपके खिदमत। तो ये है अपनी विंडो से कुछ व्यू, पूरा जो है पहाड़ वगैरह दिखते हैं। और आज हमने काफी सारे जो है मतलब रूम को धोबी घाट बना दिया, हमने कपड़े धो दिए, टी शर्ट है, पैजामा है, तौलिए हैं, अंदर बंडानास वगैरह भी सूख रहे हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम लेह। क्या बात है भाई साहब, और ऐसे नज़ारे के साथ अपने दिन की शुरुआत हो तो इससे बेहतरीन और क्या ही हो सकता है। तो गाइज आज हम लोग स्टे कर रहे हैं लेह में। मैंने बोला था कि शायद हो सकता है हम लोग पेंगोंग सो जाएं, मतलब मैं प्लान करके भाई आया था कि पेंगोंग सो जाऊंगा, बट मैंने यहाँ पे पता किया पेंगोंग सो के रास्ते की हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैंने सोचा अपना पैसा और टाइम दोनों बचाते हैं, एक दिन यहाँ पे स्टे करते हैं और आराम से बॉडी को भी रिलैक्स देते हैं, क्योंकि तीन दिन काफी एक्सट्रीम राइड करी है। पहले दिल्ली से मनाली इतनी लंबी, फिर मनाली से सरचू हो तो पूरा ऑफ रोडिंग वाटर क्रॉसिंग वगैरह, फिर सरचू से लद्दाख, तो आप लोगों ने व्लॉग में देखा ही होगा। तो आज हमने रेस्ट डे रखा है, लेकिन रेस्ट डे के साथ साथ लेह को एक्सप्लोर करेंगे काफी अच्छे से और आपको भी साथ में घुमाएंगे। और अभी भी अगर आप आंखें और चेहरा देखोगे ना तो आपको थका थका सा लगेगा, मतलब आंखों की तो वाट लग गई थी कल, इतनी जलन मार रही थी ना, क्योंकि रास्ते में इतना डस्ट, इतना पॉल्यूशन, मिट्टी आंख नाक मुंह, मतलब कहाँ कहाँ मिट्टी नहीं घुसी, बस सोच लो हर एक क्षेत्र में मिट्टी घुस गई थी हमारे, तो इतना ज्यादा जो है डस्ट वगैरह और सारा ऑफ रोडिंग वगैरह था लद्दाख आने के लिए, इसीलिए कहते हैं लद्दाख इजी नहीं है। कल एक सबसे अच्छा डिसीजन मैंने ये लिया कि आज लेह में स्टे करते हैं, और कल रात में कम से कम 10 घंटे के आसपास सोया, मतलब उठाऊ सीधा फ्लैट, बिल्कुल कोई होश नहीं, कोई कुछ नहीं, चित बिल्कुल, तो मतलब शरीर को पूरा जो है ना एक कहते हैं रिलैक्स मिल गया अच्छे से। तो आप जो है हम आगे की राइड अपनी अच्छी कर पाएंगे। क्या बात है, लड़की भी रेडी हो चुकी है, हर टप सामने से, चल शीशा ही देखती रहेगी जब देखो, और तुम्हारा भाई भी हो चुका फुल रेडी, देख रहे हो। तो ये है आज का अपना गेटअप, वैसे ये मैंने रखा था कारगिल या श्रीनगर के लिए, बट मैंने सोचा यार आज थोड़ी ज़्यादा डेस्टिनेशंस वगैरह हम लोग कवर कर रहे हैं तो कुछ अच्छी फोटोज और वीडियोज भी तो चाहिए ना, तो इसलिए मैंने आज ये अटायर कर लिया। तो चेंज करके तुम्हारा भाई बन चुका है बिल्कुल, क्या कहते हैं, क्या वह कहते हैं, चलो स्मार्ट बोल लो, ठीक है। तो गाइस आज का अपना प्लान है कि हम लेह सिटी में ही कुछ 4-5 लोकेशंस कवर करेंगे, जैसे कि हॉल ऑफ फेम, पत्थर साहिब गुरुद्वारा, संगम, यहाँ पे सिंधु रिवर और जंस्कार रिवर का संगम होता है, वहां जाएंगे, और वो रेंचो स्कूल जो 3 इडियट का फेमस है वो भी कोशिश करेंगे, बाकी एक दो चीजें और है रास्ते में अगर टाइम मिला वो भी एक्सप्लोर करेंगे, मतलब आज काफी चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी 11:15 हो रहे हैं तो 11 बजे तक हम लोग निकलेंगे और रात को 8 बजे तक अपने आप पूरा टाइम है, क्योंकि रोशनी रहती है तब तक, तो मतलब 9 घंटे अपने पास है, लंच वंच सब रास्ते में ही करेंगे, फिलहाल ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी चलते हैं। तब तक आप क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, है ना, बढ़िया से जल्दी से, क्योंकि इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट ला रहे हैं यार, तो इतना तो बनता है ना। तो भाई ये है अपनी रुद्रा और ये है अपना होटल दी वाइट हाउस, यहाँ पर हम लोग स्टे करे थे। तो आप भी लेह लद्दाख आते हैं तो रुक सकते हैं, काफी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है। तो भाई पहुंच चुके हैं हॉल ऑफ फेम, टाइम अभी हो रहा है 11:12, क्या बात है। तो ये रहा हमारे बैक साइड में सारा, चलते हैं एंट्री करते हैं और अंदर से दिखाते हैं आपको अच्छे से। तो भाई ये 4 चीज़ हैं हॉल ऑफ फेम के, पॉज करके देख लेना, बाकी हमने भी 2 टिकट ले लिए सिर्फ म्यूजियम के। यहाँ पे बस 2 ही जगह पे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, एक एंट्रेंस पे और एग्जिट पे, बाकी जगह हम लोग फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और ये हमारा अभी लद्दाख कल्चर का है पूरा, यहाँ पे लद्दाख और लेह की हिस्ट्री वगैरह दिखा रखी है, ऑर्नामेंट्स, इनके औजार, ड्रेसेस वगैरह सारी चीज़ें, तो मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा पूरी गैलरी एंड तक। तो
भाई अब हम लोग जाएंगे वॉर गैलरीज, हीरोज गैलरी पे। तो वॉर गैलरी मेरी फेवरेट है, मतलब मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहता है आर्मी के वॉर वगैरह पे। तो ये पूरी वॉल गैलरी है जहाँ पे कारगिल वॉर वगैरह भी दिखा रखा है। ओ भाई साहब मशीन गन, क्या बात है, क्या बात है भाई साहब। और ये पाकिस्तानी गन मशीन है जो कारगिल वॉर के दौरान जब्त करी थी इंडियन आर्मी ने, देख रहे हो। परचेज करना है, कुछ खरीदना है तो यहाँ पे शॉप भी है अंदर, एक गैलरी सी, यहाँ से आप ले सकते हो अपने लिए। भाई अब हम लोग एंटर कर रहे हैं कारगिल और सियाचिन गैलरी में। क्या बात है, इसका दास फर्स्ट फुट होल्ड जो बेस का बेस बनाने का टैक्स दिया था और बेस छोड़ दिया वो 18 मिनट को दिया था। पाकिस्तान के आर्मी के डेड बॉडीज पड़े हुए थे उन सबको हमने लेने के लिए जो है समय दिया था और उसकी डेथ ने उस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो भाई ये वो ड्रेस है जो सियाचिन ग्लेशियर में जब हमारे जवान जाते हैं तो वो यूज करते हैं। तो देख रहे हो कितना लोड होता होगा ना उन लोगों पे, शूज देखो, ड्रेस देखो, ये सारे इक्विपमेंट है वहाँ पे। और इसी के बगल में यहाँ पे दिखाया हुआ है जैसे कोई प्रॉब्लम होती है आर्मी किसी जवान को सांस लेने में या कोई भी, तो इस चैम्बर के अंदर उसको डाल देते हैं, इसमें ऑक्सीजन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये स्ट्रेचर है और यहाँ पे दिखा रखा है कितनी डिफिकल्टी होती है, देख रहे हो सियाचिन में। ये कैप्टन विक्रम बत्रा की लास्ट फोटो है उनकी वॉर से पहले की, फिर उसके बाद वो शहीद हो गए थे। तो यहाँ पे कारगिल की ग्लिम्स है सारी, मतलब बहुत चीज़ें हैं यार, आके देखना एक बार बहुत ज़रूरी है ना, अच्छा लग रहा है ना, मतलब आपको इतना प्राउड फील होगा ना, आपको लगेगा कि हाँ यार मतलब इंडियन आर्मी नहीं होती ना, नहीं होते। ये वाला सीन देखो यार जो इंडियन आर्मी ने करा था नवाज शरीफ के साथ। से पहले वॉर खत्म होने के बाद भी भारत माता की जय पुकारता है, जब तक आप लोगों का भारत माता ठीक नहीं होगा 7:30 बजे तक मैं खड़ा करके रख दूंगा यहाँ। चलिए दोबारा जोर से शुरू कीजिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हर हमेशा इस तरह सम्मान के साथ जोश के साथ बोला जाता है। तो भैया ये है यहाँ का वॉर मेमोरियल जो हॉल ऑफ फेम के बैकसाइड में ही है। क्या बात है यार, लैंडस्केप देखो अगल बगल और ऐसी जगह पे वॉर मेमोरियल बना रखा है, मतलब ये ना मैं तो कहता हूँ हर सिटी में एक वॉर मेमोरियल होना चाहिए ताकि लोगों को जो है ना वो प्राइड फीलिंग जो होती है ना अपने देश के लिए वो मिलती रहे यार। अमेजिंग, यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करा। क्या बात है, कितना गजब लग रहा भाई साहब। आज मौसम भी जो है लेह लद्दाख में खराब हो रहा है, बारिश होने के चांसेस हैं, ठंड भी थोड़ी सी बढ़ गई है, हवा चल रही है बहुत तेज है वे लड़की। बट बारिश ना हो तो अच्छा है क्योंकि हमें भी और भी डेस्टिनेशंस कवर करनी है, बाकी देखते हैं। तो गाइस ये है शौर्य स्थल, यहाँ पर ने भी हमारे शहीद रहे हैं, सबको मेंशन कर रखा है नेम प्लेट पे, ये उनके ट्रिब्यूट में बना रखा है। और यहाँ की वाइब चेक करो यार, तो ये इंडियन आर्मी का कैफे है यहाँ पर, काफी अच्छा, आके एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। क्या फील है यार, देखो बंकर के अंदर बैठे हुए, वाइब बहुत बढ़िया है, बंकर देखो अगल बगल है ना, और टाइम पे हमारा सॉन्ग चल रहा है, फील आ रहा है बस देखे पाकिस्तान वालों। भाई हॉल ऑफ फेम के कैफे में जब भी आप आते हैं तो दो चीज़ें ध्यान रखना, पूरे हॉल ऑफ फेम में कहीं पे भी कैश यूज़ नहीं होता, या तो यूपीआई या फिर कार्ड सिर्फ, और यहाँ कैफे में सेल्फ सर्विस है, तो ये दो तीन चीज़ें याद रखना। बाकी हमने समोसे लिए हैं तो समोसे निपटाते, ज़्यादा भूख नहीं थी, नाश्ता करके आए थे। तो भाई हॉल ऑफ फेम देख के हो गया और मस्त है यार, लद्दाख में आते हो तो यहाँ ज़रूर आना,
आपको अपनी इंडियन आर्मी के बलिदान के बारे में, उनके पराक्रम के बारे में पता चलेगा, प्राउड फील होगा। तो हमने देख लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं आगे की तरफ, देखते हैं कहाँ जाते हैं, पहले मैग्नेटिक हिल या पत्थर साइड, जो भी पड़ता रहेगा रास्ते में दिखाते रहेंगे। चलो तो लो भाई लो, पहुंच चुके हैं गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। तो चलते हैं अंदर, बढ़िया से दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं बाबा के। तापिस्तान की तरफ, और नीचे हमने गुरुद्वारे के दर्शन कर लिए अच्छे से, तो पहले तापिस्तान पे चलते हैं, फिर नीचे आके बढ़िया से लंगर भी खाएंगे, भूख भी लगने लगी हल्की हल्की, हालांकि अभी समोसे खा के आ रहे हैं, लेकिन लंगर जरूर चखे जाएंगे, है ना? क्योंकि लंगर देखते ही जो मुंह में पानी आया है ना, हाँ कसम से, तो वैसा टेस्ट कहीं होता भी नहीं, आपको पता लंगर जैसा। तो पहुंच गए हम लोग तापिस्तान ऊपर, और भाई साहब ये जो गुरुद्वारा है ना, गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब, तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी आए थे, और पत्थर में भी जो आप देखोगे ना, उनके बैठे हुए पूरे निशान है ना, जैसे आप वो स्वयं बैठ रखे हो, मतलब जैसे बैठ के, तो उसका वो चीज़ है रखा हुआ है। नहीं, यहाँ भी ज़रूर आना अगर आप लेह आते हो तो। और दूसरी चीज़, ये पूरा गुरुद्वारा जो है इंडियन आर्मी चलाती है, वैसे लेह के आसपास मैंने देखे ज़्यादातर चीज़ें जो भी है ना सब इंडियन आर्मी चलाती है। इतनी बढ़िया फैसिलिटी है, मतलब ए टू जेड इतना बढ़िया बना के रखा हुआ है, बस अच्छा लग रहा है दिल को। यहाँ पे आए हैं और अब चलते हैं, लंगर करते हैं जल्दी से, भूख लग रही है अब। और मौसम भी जो है थोड़ी थोड़ी बूंदाबांदी होने लगी है, हल्की हल्की ठंडा काफ़ी ज़्यादा, और हम दोनों ही जैकेट पहन के नहीं आए, क्योंकि हमें नहीं लगा था कि इधर, लेकिन हवा बहुत तेज चल रही है, सिटी में इतनी ठंडी नहीं थी, यहाँ पे बहुत ठंडी। और अभी हमें आगे और जाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चल। तो भाई गुरुद्वारा पत्थर साहिब के दर्शन होंगे, बहुत ही बढ़िया लंगर भी खा लिया, पेट हो चुका है टाइट, अब चलते हैं मैग्नेटिक हिल पे, वहाँ के नज़ारे चल। तो भाई लोग पहुंच चुके हैं मैग्नेटिक हिल, वेलकम टू मैग्नेटिक हिल, इसको पढ़ लेना एक बार पॉज करके अच्छे से। न्यूट्रल में डालो तो पीछे जाएगा, न्यूट्रल में रखा हुआ मैंने, अब कैसे डालूंगा, वर्किंग नहीं कर रहा भाई, सिर्फ बोर्ड लगा कर इसको देखो, इसको न्यूट्रल में डालेगा, ये यार आगे तो अपने आप जाएगा, स्लोप नहीं इसकी जा रही, मेरी कोई जा रही। तो भाई आए थे हम लोग मैग्नेटिक हिल पे, और हमने ट्राई भी किया बाइक लगा के, लेकिन बाइक के साथ कुछ नहीं हुआ, कार के साथ होता है, तो कार वगैरह लाते हो तो उसके साथ ट्राई करना, न्यूट्रल करके खड़ी कर देना, अपने आप गाड़ी चलती है। बाकी फिलहाल बस यहाँ पे इतना ही है देखने के लिए, साथ में अगर आपको करना है तो एटीवी राइड वगैरह कर सकते हो, वो देखो वो एटीवी राइड हो रही है वहाँ पे, तो हम भी सोच रहे हैं कि कर ले यहाँ से एटीवी वगैरह, करनी है, चलो पहले एक बार रेट पता करते हैं, अगर बजट में हुआ तो ठीक है, फालतू में ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। मजा नहीं आया, ये तो भाई एडीवी राइड वगैरह नहीं कर रहे, 1200 रुपए चार्ज, और मुश्किल से 2 से 3 मिनट में पूरी हो जाएगी, इतना सर्किट है, तो 3-4 मिनट के लिए 1200 रुपए फूकना भाई बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उतने में तो मैं एक राइड और प्लान करके थोड़ा खर्च कर लूँगा, है ना। चलो, और यहाँ हमने बाइक लगा के मैग्नेटिक हिल पे, यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है अपने बाइक के साथ, तो ठीक है, इसके पैसे ले सकते हैं,
50 रुपए। हाँ एडीवी का जुगाड़ हो जाएगा सही में है? ये ठीक है भाई, ये बिजनेस मेरे माइंड में सही है। बाइक लगा के 50 रुपीज़ पर फोटो, और भाई अपना अपना एटीवी का जुगाड़ हो जाएगा। यूट्यूब का प्रमोशन और फोटो आ रही है। हाँ तो सही में लाइन लग गई अपनी बाइक से, और हम 10 मिनट से वेट कर रहे हैं जाने के लिए। वेट कर रहे हैं 10 मिनट हो गए, मना भी नहीं करा जा रहा, खड़े होके देख रहे हैं क्या बोले। और लाइन लगी हुई है अभी, ये लोग भी लाइन में है, वो पूरी फैमिली खिंचा चुकी है अभी। ये सही था बिजनेस मेरा, अब मेरे को लग रहा है 50 वाला बिजनेस सही था भाई। कम से कम 10 लोग खिंचा चुके हैं, 5-6 लगे और लाइन में खड़े हैं। आधा घंटा और खड़े होते 1000-1200 रुपये में बन जाते, तो और फिर राइड होती है ATV वाली भाई। भाई मैं तो यही सोच रहा हूँ अगली बार चाहूँगा बाइक लगा दूंगा, राइड का पैसा यहीं से निकाल। सही नहीं है भाई साहब? ये देखो अभी वाली फैमिली जा रही है। तो लोग आई स्पेस है आपके लिए एक और ब्यूटीफुल नज़ारा, ये है संगम। जैसे कि प्रयागराज में और देवप्रयाग में भी है ना संगम, तो ये इस वैली का संगम है, जंस्कार वैली का। ये सिंधु रिवर है, इंडस रिवर जिसको बोलते हैं, और वो है जंस्कार रिवर, और ये मिलके फिर आगे को निकल जाती है पाकिस्तान में। यहाँ पानी रोको यार पाकिस्तान का, यहाँ से बांध बना के पानी रोक दो। ठीक है यार थोड़ी देर एंजॉय करते हैं। यहाँ पे कैफेज वगैरह सारी चीजें हैं, पार्किंग है पीछे में। कितना प्यारा व्यू है, देख रहे हो दो पहाड़ों के बीच में से नदी आ रही है, राफ्टिंग भी होती है वैसे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ से हो रही है। वो देखो वो राफ्ट आ रही है सामने, दिख रहा है। तो करीब करीब आधा घंटा हो गया हमें यहाँ आके बैठे हुए, और यहाँ पे ना एक अजीब सी शांति सी, मतलब टूरिस्ट देखोगे आप पीछे तो बहुत सारे लोग हैं अगल बगल बैठे हुए हैं, आराम से व्यू को एंजॉय कर रहा है वो शांति सी, जैसे चाउस था ना हर जगह पे, यहाँ पे वो शांति आराम से। तो हम लोग भी कुछ 5-10 मिनट और बैठेंगे, उसके बाद चलेंगे आगे। 2-3 जगह और हैं जो एक्सप्लोर करनी है, आज पूरा लेह एक्सप्लोर कर डालेंगे और साथ में आपको भी कराएंगे अच्छे से। तब आप क्या करो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी से, ठीक है? तो भाई अभी आ गए थे हम लोग रूम पे, करीब आधा घंटा हो गया है, हमने बोला थोड़ा सा बीच में रेस्ट ले लेते हैं। 4 डेस्टिनेशन हमने कवर कर लिए, 2 अभी और बची हुई हैं, तो फिलहाल जैकेट वगैरह डाल लिए क्योंकि ठंडी जो है बढ़ गई है। बीच में बूंदाबांदी वगैरह होती रह रही है हल्की सी, लेकिन ऐसी बारिश नहीं जैसे हमारे उधर दिल्ली वगैरह पड़ जाती है ना, और ना जितने ज़्यादा बादल है ना यहाँ, तो कम से कम 3 दिन तक बारिश नहीं रुकनी चाहिए थी, बट ठीक है सो फार सो गुड। बाकी चलते हैं, अब आपको लेके चल रहे हैं हम लोग रेंचो स्कूल में, जहाँ पे 3 इडियट की शूटिंग हुई थी ना, तो वहीं लेके चलते हैं, चलो। तो लो जी लो भाई, आप सभी का रेंचो की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। इसको पॉज करके पढ़ लेना क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ से एंट्री है, चलते हैं हम लोग रेंचो के स्कूल में। क्या बात है, तो भैया इधर है 3 इडियट्स के 3 पिछवाड़े। पीला लाल और हरा, आजा फोटो खींचेंगे आजा। तो भाई इधर है रेंचो के 3 पिछवाड़े, इधर है रेंचोस कैफे, खाना है तो उधर आप ड्रेस वगैरह एक्सपीरियंस कर सकते हो, और उधर इसके पीछे है वो वॉल जहाँ पे वो देखा था ना आपने, करंट लगता है उसको, तो वो वॉल उधर है वो रही। अब हम भी उधर ही जा रहे हैं, वहाँ पे बढ़िया बढ़िया से कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, और बस यही है छोटा सा, इतना ही जो है घूमने लायक। आओ फोटोज़ वोटोज़ खिंचाओ, थोड़ी देर इन्जॉय करो, कैफ़े में कुछ खाना पीना है खाओ, और उसके बाद गोली हो जाओ। तो भाई अपना जो है रेंचो स्कूल घूम के भी हो गया, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब आधे घंटे में आप अच्छे से हर जगह फ़ोटो क्लिक करवा सकते हो। बस इतना ही है प्राइमेसी जितना मैंने आपको दिखाया था। ओरिजिनल स्कूल जो है ना यहाँ का, वो है वो पे ये वाला, तो ये यहाँ का ओरिजिनल स्कूल है। तो भाई हम लोग भी निकल रहे हैं यहाँ से, टाइम हो रहा है 5:45, बारिश होने लगी है, इस बार थोड़ी सी तेज़ है बारिश, तो यहाँ से हमें 15-20 मिनट और लगेंगे लेह सिटी पहुँचने में, और हमें जाना है लेह पैलेस। तो हम सोच रहे हैं वो अच्छे से एक्सप्लोर कर रहे थे, तो छोटा सा था घूम लिया, अब आपको लेके चलते हैं लेह पैलेस। आप भी बोलोगे आज पूरा लेह आज ही घुमा दोगे क्या? तो भाई इसको ऊपर है लेह पैलेस, और वहीं पर जाना है हमें अभी, तो चलते हैं रास्ता पकड़ते हैं और पहुँचते हैं लेह पैलेस जल्दी से। तो
लो जी लो, आप सभी का स्वागत है लेह पैलेस में। कितना सुंदर लग रहा है ना बाहर से, पीछे बादल वगैरह जो आ रहा है ना, व्यू बहुत ही बढ़िया। और ये है पूरा लेह सिटी का व्यू, क्या बात है, देख रहे हो। तो चलते हैं सीधा, टिकट वगैरह लेते हैं जो भी, और अंदर से एक्सप्लोर करते हैं लेह पैलेस को। ओके, तो अपने टिकट आ चुके हैं, 25 rupees पर हेड एंट्री है यहाँ पे। तो भाई अंदर आते ही कुछ ऐसा ओल्ड सा फील है इसमें, लकड़ियों के पिलर से सपोर्ट है और बस चलते जाओ, सीढ़ियाँ सीढ़ियाँ। ये है ले पैलेस गैलरी, चलते हैं। वाओ, तो ये है गाइस यहाँ की गैलरी पूरी, कितनी बढ़िया लाइटनिंग वगैरह करके दिखा रखा है ना, अमेजिंग यार। हम लोग जा रहे हैं होली श्राइन साहिब मंदिर जो है आपका, अमेजिंग इट इज भाई साहब, ब्यूटीफुल। तो अभी हम लोग हैं यहाँ के 5th level पे, मतलब 5th floor पे, और यहाँ से व्यू देखो यार लेह सिटी का, क्या बात है, अमेजिंग। और आज तो बादलों ने समाई बांध रखा है बिल्कुल। भाई अब हम चल रहे हैं 6th floor पे। तो भाई साथ साथ आपको इस पैलेस की मैं छोटी सी हिस्ट्री भी बता देता हूँ। तो ये बना था 17th century में पहली बार, जो यहाँ के किंग थे सेमग्याल करके, मैं नेम भूल रहा हूँ, तो उन्होंने इस किले को बनवाया था, इस पैलेस को बनवाया था, लेह पैलेस को। और ये तब से 2 बार जो है डिस्ट्रॉयड हो चुका है, मतलब टूट चुका है, और अभी भी जो है आप देख रहे हो इसको कंजर्व करके दोबारा बनाया हुआ है। तो अंदर गैलरी में इमेजेस भी लगा रखी थी, जैसे पहले कितनी बार टूटा है, कैसे कैसे रिकंस्ट्रक्ट किया है इसको। तो ये सारी चीज़ें हिस्ट्री है यहाँ की, और बना बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब जो भी कहो, कोई सीमेंट का यूज़, नॉर्मल मिट्टी की ब्रिक्स और मिट्टी का ही लेप है ऊपर से, और सारा वुडन का काम है। तो कुल मिला के काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए। तो अभी और एक्सप्लोर करेंगे, अभी तो 6th floor तक आए हैं, आगे देखते हैं और क्या क्या है। तो भाई अब हम लोग आ चुके हैं पैलेस के टॉप फ्लोर पे, यानी कि 8th, वैसे 9th floor है, 9th floor बंद कर रखा है, छोटा सा है, तो 8th floor ही अभी टॉप पे है। तो भाई ये है पूरी हिस्ट्री लेह पैलेस की, यहाँ पे पॉज करके आप लोग पढ़ लेना। भाई 7 बजे का है क्लोजिंग टाइम, और करेक्ट 7 बज चुके हैं, और 7 बजते ही इन्होंने अंदर लाइटें बंद करना शुरू कर दिया है, बस मेन गैलरी की बची हुई है, ऊपर ज्यादा नहीं, बस 8-10 लोग और हैं, तो गए हुए हैं गार्ड उन्हें बुलाने के लिए। तो यहाँ पर मोस्टली जगह का टाइम 7 या 8 बजे ही है, तो उस हिसाब से आना, प्लान करना है ना। बाकी हम लोग चल रहे हैं फिलहाल। वाइब्रेशन भी आ रहा है आपके। तो भैया आज के दिन में हमने 6 locations जो हैं एक्सप्लोर करी है, तो होप करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा, साथ साथ आपको भी जो घुमाया हमने, मतलब मुझे ना बिल्कुल भी इतना सा भी अफसोस नहीं हो रहा कि मैंने पेंगोंग सो की अपनी राइड को कैंसिल करा। क्योंकि जब पहली बार फर्स्ट टाइम लेह आया हूँ, तो मैंने सोचा लेह को ही अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं ना, सिर्फ टच करके जाने में मजा नहीं आता, अच्छा किया, और उसके साथ साथ बॉडी को भी रेस्ट मिल गया, थोड़ा बाइक को भी रेस्ट मिल गया, मतलब कुल मिला के बहुत ही अच्छा रहा, और लेह को हमने अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया। नेक्स्ट ईयर आएंगे तो पेंगोंग सो भी जाएंगे, खारदुंगला भी जाएंगे, बहुत सारी चीजें हैं जो अभी छोड़ी हुई है वो भी करेंगे, कि फिलहाल मुझे इस बार करना है सर्किट। तो कल हम लोग निकल जाएंगे कारगिल के लिए, और फिर आपको कारगिल भी घुमाएंगे काफी अच्छे से। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में इतना ही, होप करता हूँ आपको मजा आ रहा होगा इस पूरी सीरीज में, अगर आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके जाना, नए हो या पुराने, बिना सब्सक्राइब करे हुए बिल्कुल मत जाना। जल्दी मिल रहे हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।